वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा, आज 1500 करोड़ की योजनाओं की देंगे स्वागत। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 64 अंक की तेजी के साथ खुला। यूके में कोरोना पॉजिटिव मिले दो भारतीय क्रिकेटर, एक को आइसोलेशन में रखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने गई थी इंडियन टीम। सपा करेगी यूपी में प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। दो दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 15 पैसे हुआ महंगा। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल के घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। तहसील में तैनात लेखपाल राम विशाल ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध मकान बनवाने के नाम पर रिश्वत ले ली, जिसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सलोन तहसील में अफरा तफरी मच गई वीडियो देखने के बाद। अब देखना यह होगा कि आखिर इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। एक वीडियो जो वायरल कथित बताया जा रहा है, उसको मैंने भी देखा है। उसमें एक लेखपाल का जो चेहरा मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीछे से समझ में आ रहा है कि वो राम विशाल नाम है और वो किसी से पैसे ले रहे हैं। वो पैसा किस व्यक्ति ने दिया है, ना तो उसको बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है, ना ही किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की है कि यह पैसा किस रूप में है, भ्रष्ट आचरण के लिए है या किस लिए है, इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। ये वायरल हुआ है कि किसी गांव में आत्मण के नाम पे पैसे लिए गए हैं, यह बातें संज्ञान में लाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा शिकायत नहीं आई है। और मैं इस मामले में संबंधित लेखपाल से स्पष्टीकरण लेकर वह कौन व्यक्ति पैसा दे रहा है, किस रूप में पैसा दे रहा है, इसकी पूरी तहकीकात करवा कर संबंधित के खिलाफ यदि कोई दोष होता है। लखीमपुर खीरी के ऑयल कस्बे में महिला का धर्मांतरण किए जाने का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा था। बता दें कि सरेआम महिला को असलही की नोक पर अगवा कर बंधक बनाया गया था। वहीं महिला के साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने नामजद अभियुक्त सहित दो मौलानाओं को जेल भेज दिया है। कौशाम्बी के पुरखास में रामचंद्र पासी की आकाशीय बिजली गिरने से कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, जिसको लेकर सरकार द्वारा उनके आवास पर उनकी पत्नी विनीता को 4 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। साथ ही कई सारी योजनाओं के तहत उनके परिवार को संतावना भी दिया गया है। रामपुर के सवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार सवार थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में प्रधानपति तेजपाल के खेत में बनी झोपड़ी में ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित थी। पुलिस ने इस मामले में मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रधानपति तेजपाल और यूनुस अभी फरार है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। बरेली जोन बरेली महोदय के निर्देशन में एक कार्रवाई और एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो अवैध शस्त्र पाए जा रहे हैं उनके स्रोत की जानकारी की जा रही है कि वो कहाँ से लाया है, और ये भी अभियान चल रहा है कि अवैध शस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित हो रहे हैं और कहाँ कहाँ वो सप्लाई हो रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत रामपुर में विगत रायबरेली के डलमऊ ब्लॉक में ग्रामीणों ने चंदा वसूल कर किराए की जेसीबी मंगवाई और उस जेसीबी से नहर की सफाई करवाई। वहीं जुलाई माह में धान की रोपाई युद्ध स्तर पर की जाती है। हर साल लाखों रुपए खर्च करके नहरों की साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन ठेकेदारों और विभाग की मिलीभगत से नहरों की वैसी सफाई नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। वर्तमान समय में जिले की ज्यादातर नहरें घास और गंदगी से पटी पड़ी है। ग्रामीणों को अपने निजी खर्चों से नहर की सफाई करवानी पड़ रही है। विकासखंड दलमऊ क्षेत्र में नहर की सफाई न कराए जाने से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने खुद पैसा इकट्ठा कर जेसीबी से सफाई करवाई। इस दौरान उन्होंने नहर में उग आए झाड़ की भी सफाई की।
फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र में क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर बदमाशों ने कार सवार के साथ बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। मैक्स लोडिंग गाड़ी से जा रहे बकरा व्यापारी से 10 लाख रुपए की नकदी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना पर एसएसपी अशोक कुमार के सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या पहुंचे। सांसद संजय सिंह ने जनपद में सदस्य जोड़ो अभियान की तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। हम लोग एक महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश में ये अभियान चला रहे हैं, यूपी जोड़ो अभियान, यूपी में भी केजरीवाल। और इस दौरान हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में मैं आज औरैया और विधुना में आया हूँ। जिस प्रकार से यहाँ सोमेंद्र पोरवाल जी, हमारे डॉक्टर एसपी सिंह जी, पिंटू शर्मा जी, ये सारे लोग साथी लगे हुए हैं। अंकिता यादव जी का भी अभी कार्यक्रम था, वहाँ से मैं आया। मुझे पूरा यकीन है कि हर विधानसभा में यहाँ 25,000 मेंबर 1 महीने के अंदर बन जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी और सेक्टर की कमेटी हम लोग बनाएंगे। 2 महीने के बाद 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हर विधानसभा में होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 बड़े मुद्दों पर हमें लड़ना है। नंबर 1 फ्री बिजली, नंबर 2 बेरोजगारी भत्ता, नंबर 3 मोहल्ला क्लिनिक, नंबर 4 शिक्षा और 5वां मुद्दा किसान का फसल का दाम 24 घंटे के अंदर किसानों को खाते के अंदर पहुंच जाए। जब वो फसल अपनी मंडी में छोड़ के आए या चीनी मिल पे छोड़ के आए, 24 घंटे के अंदर उनको भुगतान हो जाए। ये हमारे 5 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके हम चुनाव में जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सभी, हर व्यक्ति, हर परिवार इस बात से चिंतित है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है उस वक्त क्या स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया के कई देशों में इसकी शुरुआत हो गई है। तो इसलिए अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो स्वयं बीजेपी के हैं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जनता के जीवन की फिक्र करते हुए योगी सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है और भगवान भी चाहते हैं लोग जीवित रहें। आगरा के एतमादुल्ला थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर अचानक गायब हो गए। बता दें कि ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का एतमादुल्ला क्षेत्र में हाईवे पर विद्या नर्सिंग होम है। देर रात वो घर से हॉस्पिटल राउंड पर गए थे, इसके बाद वो रात 11 बजे तक वापस नहीं आए। वहीं लापता डॉक्टर के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लगातार डॉक्टरों की तलाश में जुटी है। सहारनपुर में जिस ब्लॉक में पति सफाई कर्मचारी है, उसी ब्लॉक में पहले पत्नी ने बीडीसी चुनाव जीता और अब बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख के पद पर आसीन हो गई है। जी हां, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जो किसी को भी नेतृत्व का अवसर दे सकती है। बता दें कि सफाई कर्मी सुनील कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ब्लॉक क्षेत्र में वो रोज सफाई करते हैं, एक दिन उनकी धर्मपत्नी सोनिया वहीं की ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगी। पहले भी सहारनपुर के बलिया खेड़ी ब्लॉक से सोनिया भाजपा से ब्लॉक प्रमुख का दायित्व संभाल चुकी है। शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिना रिश्वत के कर्मचारी एकदम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला, जहां 1,000 रिश्वत लेते एक कर्मचारी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल अधिकारी जांच में पुष्टि होने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बता दें कि फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति से अधिकारी करीब 1,000 रुपए रिश्वत लेते नजर आए। रिश्वत लेने के बाद जल्द ही कार्य होने का आश्वासन दिया। हैरानी की बात ये है कि रिश्वत लेते राजकुमार यादव कैमरे में कैद होते रहे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही है।
अभी ये वीडियो संज्ञान में लाया गया है, हालांकि अभी इसको पूरी तरह देखा नहीं है, परंतु ये बात आरोप संगीन है। तो अभी इसकी उच्च स्तर से या तो सीडीओ स्तर से या फिर PDDRDA स्तर से इसकी जांच कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया भी यदि ये पाया जाता है तो फिलहाल तत्काल उसको चार्ज से हटा करके। आजमगढ़ में जिंदों को इंसाफ का दावा सरकार कितना भी कर ले, लेकिन मुर्दों के बारे में क्या कहा जाए। बता दें कि लगभग 3 साल पहले सरकार ने 52 लाख खर्च कर मुर्दों के लिए आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन 3 साल बाद भी मुर्दों को रखने के लिए आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस अभी तक अधूरा बना हुआ है। इसके बाद इस मामले पर काम को लेकर CMO को हैंडओवर भी कर दिया गया। उसके बाद का अधूरा काम स्वास्थ्य विभाग को पूरा करना था, लेकिन विभाग की करनी सामने आ रही है। शासन ने शवों को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में ही 6 फ्रीजर भेजे थे, लेकिन उसको प्रयोग में लाने में लगभग 1 साल लग गया। 2019 में फ्रीजर तो लगाए गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाने में 1 साल लग गए। पोस्टमार्टम हाउस में हर दिन 5 से 10 शव आते हैं। अब सवाल यह है कि 2 फ्रीजर में जिसके शव को फ्रीजर में रखा जाए, उसके अलावा बाकी शवों को कहां रखा जा सकता है। यूपी में बेरोजगारी का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन बेरोजगारी को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं पिछले कई दिनों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी कई सरकारी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2 सालों से अभ्यर्थियों का लगातार प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। पिछले कई दिनों से लखनऊ के SERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इनकी 2 मांगे हैं, एक तो आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खाली पद भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। इसके अलावा एक RTI के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1.7 लाख पद खाली हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आए दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं इसी को लेकर 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर पहुंच गए। वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि जब उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया तो उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज भी की। आखिर कब तक युवा रहेंगे बेरोजगार? यूपी में कब तक रहेगी बेरोजगारी? क्या यूपी सरकार पूरी तरह है विफल? वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि OBC वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि OBC वर्ग को 21% आरक्षण नहीं मिला और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवल 2,637 सीट ही दी गई थी। हालांकि सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, उन सभी को इस भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो इस मामले में हाईकोर्ट पहुँचे हैं। रोजगार के नाम पर राजनीति। बेरोजगारी का सिलसिला लगातार जारी।
कि अभ्यर्थी के प्रदर्शन का कुछ हो रहा है फायदा। कब तक अभ्यर्थी करते रहेंगे प्रदर्शन? अब अगर पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा का नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रेनिंग न होने को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 4 चरणों में ट्रेनिंग कराने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे 2 चरणों में समाप्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती 2018 के अभ्यर्थी अपना मेडिकल परीक्षण कराने को 2 साल से परेशान थे, जिसमें से 49,568 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को कोरोना काल में मेडिकल परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। पहले चरण में सिर्फ 14,000 सिपाहियों का चयन हुआ था, वहीं दूसरे चरण में 17,360 सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अगर ऐसा चलता रहा तो अभ्यर्थी कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर इनके प्रदर्शन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वहीं सरकार आए दिन कहीं ना कहीं दौरा करते रहते हैं, लेकिन क्या उनकी नजर इन बेरोजगार युवाओं पर नहीं जाती है? आखिर कब तक बेरोजगार युवा अपने हक के लिए लड़ते रहे? फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।